नमस्कार। समोसा? जी हाँ, आज मैं समोसा आज से नहीं बिक रहा है, हमारा कितने सालों से बिक रहा है ये किसी को मालूम भी नहीं। समोसे का आविष्कार कब हुआ, समोसा कब से बिकना चालू हुआ, कब से लोगों को पसंद आना चालू हुआ और कब से इसका व्यापार फला फूला। समोसा एक राष्ट्रीय स्नैक्स के रूप में देखा जाता है। आप कोई भी फंक्शन हो उसमें समोसा आपको चाहिए, चाहे वो बर्थडे पार्टी हो, चाहे नाश्ता करना हो, चाहे शाम का नाश्ता हो, चाहे सुबह का नाश्ता हो, समोसा हर जगह यूज़ होता है। तो आज मैं समोसा बिजनेस के बारे में आपको बताऊंगा, वो जो भी अलग तरह का उसका मार्केटिंग करके समोसे के बिजनेस से आप कैसे डबल ट्रिपल ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा आप कमा सकते हैं। एक ट्रेडिशनल तरीका है समोसा पीसने का, पुराने तरीके हैं। आपने एक कराहा लिया, कारीगर दो रखे, आलू से समोसे बनाए और कहीं भी खोल लिया, स्ट्रीट में दुकान लेके सब जगह चलता है समोसा। आज आप जो दुकान खोलोगे उसका जो क्या होता है कि कस्टमर बेस होता है वो मोहल्ले वाइज होता है। आपके जो आसपास के दायरे में जो समोसा होता है वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर, इसके बाद के कस्टमर आपके पास नहीं आएंगे, उनको और ऑप्शन रहता है क्योंकि समोसा हमेशा गर्म ही पसंद किया जाता है। तो आज मैं जो समोसा आपकी बात कर रहा हूँ, पहले तो क्वालिटी आप रखिए। अच्छा, समोसे को लोग समोसा हर दुकान में मिलेगा, लेकिन आजकल मैं समोसा देख रहा हूँ क्योंकि मैं समोसा का खुद एक बहुत ही शौकीन खाने वाला हूँ। तो समोसे का जो पुराना समोसा होता था, खास तौर से जो नॉर्थ इंडिया में समोसा मिलता है, यूपी, बिहार, दिल्ली साइड, पंजाब, पंजाबी समोसा नाम से लोग बोलते हैं। पंजाबी समोसा एक्चुअली में क्या होता है कि यूपी का समोसा और पंजाबी समोसा इज डिफरेंट। जो यूपी का समोसा होता है वो उसमें आलू डालते हैं, मसाला डालते हैं, प्याज डालते हैं, अदरक डालते हैं, लहसुन डालते हैं और उसको काफ़ी देर तक उसको कढ़ाई में चलाते हैं जब तक आलू का रंग काला ना पड़ा। हींग डालते हैं, पुदीना डालते हैं, जब तक समोसे का आलू का रंग काला नहीं पड़ जाएगा उसको चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। फिर उसको जो मेन जो काम है मसाला हो गया, फिर उसके बाद जो मैदा होता है उसको बहुत से लोग रोटी समोसा बना देते हैं, जैसे रोटी में भर दिया, कर दिया बेकार, उसको अच्छे से गूंद के मैदे को वो करके, तो उसमें जो स्टफिंग होती है आलू की, फिर उसको डीप फ्राई, बड़े भगवान कढ़ाई में डीप फ्राई किया जाता है। जितना धीरे धीरे धीमे आँच में, खुद धीमे आँच में जब शुरुआत करेंगे समोसा धीरे 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 पकता जाएगा, ऐसे 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 करके करके फिर उसको तेज आंच करते हैं, ज़्यादा तेज भी नहीं करते, वो समोसा चिकना होता है और अलग टेस्ट होता है। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं समोसा खाने का। आज से काफ़ी साल पहले लोग समोसा जब खाते थे तो समोसा कभी भी खाएं तो अखा समोसा खाएं, गरम समोसा ऐसे ऐसे करके खाएं, चटनी आपने लगा दिया उसमें छोला डाल दिया, समोसा की कहानी ख़त्म। समोसे के दर्द को छिपाने के लिए लोग छोला उसमें डालते हैं, चटनी डालते हैं, हाथ से ऐसे कर देते हैं, वो सब कहानी, चटनी डालते तो समोसा का ख़त्म, उसकी जो कमियां उसको छिपाने के लिए डाल। समोसा आपको खाना है हमेशा समोसा जो रियल समोसा तो खट्टा होता है, हींग भरा रहता है, पुदीना रहता है, काला मसाला रहता है, चिकना रहता है। फिर अब आइए पंजाबी समोसे की बात। पंजाबी समोसा बहुत फेमस है, ये सब जो करते हैं वो ठीक है, पंजाबी समोसा थोड़ा सा बड़ा रहता है, उसमें मटर डाल देते हैं, वो पंजाबी समोसा हो गया। बाकी इंडिया में कोई समोसा बनाना नहीं जानता, महाराष्ट्र में जो समोसा बनता है उसमें कुछ जानते नहीं कि डाला क्या जाता है, जो वड़ा पाव जो पीला पीला उनका मसाला रहता है वही उसमें भर के डाल देते, उसमें टेस्ट ही नहीं होता है। तो मेरा कहने का मतलब कि सब राज्य का अलग अलग मज़ा है खाने का, अलग अलग टेस्ट है, साउथ का अपना अलग टेस्ट है, पंजाबी का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, बिहार का अलग है, यूपी का अलग, सबके ट्रेडिशनल अलग अलग जो माहिर होते हैं कारीगर वो बनाते हैं। तो आज मेन मुद्दे पे आइए कि आज समोसा आप जब बनाओगे
जो मैंने तरीका बनाया है नॉर्थ इंडिया समोसा, उस तरीके से पहले आपको बनाना है। दूसरा, आपको प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, पेपर यूज़ नहीं करना है, पत्तल, और चटनी भी नहीं देना, ना छोले देना है। समोसे को, दर्द को मत छिपाइए, समोसा को समोसा ही रहने दीजिए, खिलने दीजिए। समोसे को सिर्फ समोसा ही वाला ही बेच सकता है, और सिर्फ समोसा ही बेचे, उसमें कोई प्रयोग ना करे, ना मिर्ची का अलग से जो है, ना चटनी अलग से दें, ना मिर्ची दें, ना आप छोले दें, कुछ ज़रूरत नहीं। सिर्फ अखा समोसा, वो भी जो पेपर पैकिंग लिफाफे आते हैं उस पे दें, और आपके पास डायरेक्ट अगर कस्टमर है तो उसको पत्तल वाले धोने पे दें समोसा। अब ये हो गई बात, समोसा आप अपने मोहल्ले में या कहीं पर भी आप जो बेचें, ये समोसा जो आप अच्छा समोसा बनाएंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग आएंगे वो लेने के लिए। अगर आपके अच्छे क्वालिटी का समोसा है, आपको और पैसा कमाना है, तो जो आपके पास लोकल ग्राहक है, जो आसपास वाले ग्राहक है, उनको छोड़ के आप अपना प्रॉफिट रेवेन्यू और कैसे बढ़ाएं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है टीन, जो नॉर्मली जो टीन होता है 15 लीटर का आता है, वो आजकल बॉक्स बना हुआ रहता है ढक्कन वाला, उसमें आप 500 रुपया डेली एक का एक आदमी रख लें, उसको भर के दें 25-50 समोसा जो भी है, या तो 15,000 की जगह उसको 1 रुपया समोसा, 2 रुपये समोसा उसको प्रॉफिट दें, और उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 रोज़गार भी मिल जाएगा लोगों को, वो समोसा जो एक्सपर्ट है बनाने के लिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे समोसा इकट्ठा करें टीन में 15 लीटर वाले में। और एक आपने देखा कि सिल्वर का आता है, बड़ा डब्बा आता है, गोल सा रहता है, ढक्कन ऐसे खोल के देते हैं, वो साइकिलों में बेचते हैं समोसा। और ये समोसा आप कहाँ बिकवाएं, सबसे पहला कस्टमर आपका स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उसके गेट के बाहर, ये आपका दिन भर चलेगा, सुबह से खुलेंगे, इसमें शिफ्टिंग होती है, जो बच्चों की होती है शिफ्टिंग, वो सुबह 7 बजे से खोल लेते हैं, 11 बजे तक चलती है, फिर कॉलेज आता है 10 बजे से लेके आता है 4 बजे तक आता है, एक ये हो गया, एक आपकी जो कमाई होगी स्कूल कॉलेज से, लेकिन इसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कारीगर बढ़ाने पड़ेंगे, एक जो सुबह की शिफ्टिंग होगी वो 4 बजे से आपको काम लगाना पड़ेगा, आजकल मशीनें भी आ गई हैं आटा गूंथने की, उसका मैं वीडियो बाद में लाऊंगा, आटा गूंथने की मशीनें आ गई जिससे आपका काम तेज़ी से हो जाता है, हाथ करते करते थक जाते हैं लोग और रोटी जैसा होता है, ध्यान नहीं देते, मैदे को अच्छे से गूंथने के लिए मशीनें भी आ गई हैं, और समोसा बनाने की भी मशीन आ गई, पर वो कतई मत लें, उसका शेप ही बिगड़ जाता, टेस्ट ही नहीं आता, बिकेगा ही नहीं आपका, जो मैनुअल हाथ से जो आप लोग बनाते हैं, सफाई से बना, ग्लव्स पहन के बनाए, थोड़ा सा आजकल लोग हाइजीनिक हो गए हैं, उसको सानने में भी हाथ का यूज ना करें, प्लास्टिक लगा लें, प्लास्टिक दिखा दें, या बाल में वो लगा लें, स्कार्फ लगा लें, मास्क लगा लें, थूक ना आए, और ये लगा दें बाल ना उसमें ना पड़े। तो मैं बता रहा था कि आप बेचे कहाँ, एक मैंने स्कूल कॉलेज ये सब बताया, फिर आपका रेलवे स्टेशन हो गया, रेलवे स्टेशन में पूरे इंडिया से लोग इधर से उधर सफ़र करते हैं, मुंबई में तो खासतौर से जो लोकल ट्रेन है, लोकल ट्रेन में सुबह 4 बजे से चालू हो जाता है ट्रेन, और रात 1:30-2 बजे तक चलता है, वहाँ पे आप अपने वेंडर रखें साइकिल में, टीन में करके, बॉक्स करके, और जो टीन वाला जो बॉक्स होता है वो आपका 2-3 घंटे गर्म रहता है, 4 घंटे गर्म रहता है, ख़राबी नहीं होता है, गर्म रहेगा हमेशा। तो एक आपको जो समोसा, ये जो लोकल ट्रेन वाले हैं वो आपको मिल जाएंगे कस्टमर, सुबह सुबह वो भागते हुए जाते हैं अपने काम को, तो वो आपको 5 बजे से 6 बजे से आप अगर लगाना शुरू करोगे 10 बजे तक 9 बजे तक आपको वहाँ पे कस्टमर आते हैं, जो कि भागते रहते थे मुझे, फिर शाम को भी वो लोग लौटते हैं, उनको काम करके आते हैं, उनको भूख लगती है, वो तब भी वहाँ भी लगा सकते हैं आपको साइकिल में, वो लिया, कोई दुकान वकान का झंझट नहीं है, जो भी आएंगे वो एक अपना ब्रांड रख लीजिए समोसे का, टीन में लगा हुआ, और जो अपना वेंडर आप भेजो उनको ड्रेस रहे आपका, ताकि आपके ब्रांड का नाम यहाँ रहे,
मैं बड़े लेवल पे बात कर रहा हूँ, जो बड़े लेवल पे समोसा बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं उनको एक ड्रेस कोड दें, चाहे पीला लाल जो भी आपका है, कैप लगा के दें, उसमें ब्रांड का नाम रहे आपका, टी शर्ट में ब्रांड का नाम रहे, जो टीन है उस पर लिखा रहे आपके ब्रांड का नाम, पीले स्टिकर से लगाएं ताकि दूर तक निगाह जाए लोगों को। बॉम्बे में, मुंबई में समोसा 20 रुपये का एक बिकता है, अभी कुछ जगह 25 का बिकने लगा है। लागत कितनी है? 5 रुपये। कमाई कितनी है? 15-20 रुपया एक समोसा में। जोड़ो, आप कैलकुलेट करो, दिमाग आपका खुल जाएगा। छोटे से प्रोडक्ट में समोसा बनाने में कितना लगता है? 2 कारीगर स्टार्टिंग में चाहिए आपको, कढ़ाई चाहिए, ये चाहिए, दुकान चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000-1,00,000 में आपका चालू हो जाता है। और खाने पीने का आइटम इंडिया में बहुत ज़्यादा चलता है, बहुत चलता है। फिर इसके बाद मैंने आपको स्कूल कॉलेज बताया, कस्टमर वहाँ मिलेंगे। लोकल ट्रेन के अलावा, मान लीजिए आप मुंबई के नहीं हैं, लोकल ट्रेन नहीं है, दिल्ली के हैं, कहीं के भी हैं, स्टेशन में जाके आप बेचें, वही अपने जो आपका जो हॉकर है उसको ड्रेस में बना करके, साइकिल में करके बाहर बैठे। हालांकि ट्रेन में, स्टेशन में भी समोसा मिलता है पर उसमें टेस्ट नहीं रहता है, वो जल्दी आदमी कोई खाता नहीं, खाता भी तो मुंह से कोड़ने लगता है, वो छोले डाल के सब वो डाल के देते हैं, वो पहले से ही बना रहता है, छोला गरम गरम रहता है तो लोग किसी तरह खा लेते हैं, पर वो समोसे का टेस्ट नहीं रहता। तो जो आप टीन में बेचोगे वो आपको ताज़ा गर्मा गर्म समोसा रहेगा स्टेशन पे। लोकल ट्रेन अलग हो गया, जो मेन जंक्शन होता है वो वहाँ अलग आपका बिकेगा, स्कूल कॉलेज में बिकेगा, अस्पताल के बाहर बिकेगा, मरीज आते हैं, उनके रिश्तेदार बहुत से ढेर सारे रहते हैं, आप इतने से ही थक जाओगे। फिर वही शिफ्टिंग आप रात में भी कर सकते हैं, जो लोकल ट्रेन आते हैं यात्री, स्टेशन वाले आते हैं, वो तो 24 घंटा स्टेशन में भीड़ लगी रहती है। तो आप एक हिसाब किताब कैलकुलेट लगाना, मैं वीडियो में क्या बताऊँ आपको, सब सिटी का अलग अलग है। मैं मुंबई की बात कर रहा हूँ, यहाँ 20-25 रुपए का एक समोसा मिलता है, 5 रुपए लागत, कमाई जोड़ो आप, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा, इतना ज़्यादा प्रॉफिट है। मुंबई छोड़ दीजिए, आप दिल्ली आइए, और भी शहर आइए, वहाँ भी 10 रुपए का समोसा बिक रहा है, 5 रुपए लागत, डबल फ़ायदा। और जो मुंबई और यहाँ तो आपको 3 गुना फ़ायदा हो रहा है। तो कहने का मतलब कि ये डेली लाखों रुपया आप ऐसे कमा सकते हैं। मैं कैलकुलेट करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अच्छे जिस ढंग से मैंने आपको बताया कि आप इस ढंग से मार्केटिंग करो, आपको प्रॉफिट होगा, आपका धंधा बढ़ेगा, आपको रेवेन्यू बहुत तेज़ी से आएगा, क्योंकि दुकान खोल के लोग बैठ जाते हैं, आसपास के कस्टमर तक ही सीमित रहते हैं। फिर आपका जो नाम होगा ये ना, कि आप जहाँ जहाँ, ये भी आपका कैब भी प्रचार कर रहा है, ये भी प्रचार कर रहा है, आपको जो साइकिल में रखा हुआ है टीन उस पर भी प्रचार हो रहा है आपको। तो मैंने आपको बताया स्कूल कॉलेज, ये रेलवे स्टेशंस, लोकल ट्रेन, प्लस जिसके बर्थडे होते हैं ऑर्डर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी, इतने तरह के, ये 25 साल हो गया उसकी, इतने तरह के फंक्शन है जहाँ समोसा नंबर 1 स्नैक्स में माना जाता है। मैं तो कहता हूँ समोसे का नाम ही राष्ट्रीय समोसा कर दिया जाए, जिसको अपना ब्रांड बनाना है वो राष्ट्रीय समोसा रख ले, ये मैं सलाह दे रहा हूँ। तो ये राष्ट्रीय स्नैक्स के उसमें राष्ट्रीय समोसा आप रख लो, ये ब्रांड, ये जो नाम है ना सबको पसंद आएगा, ये नाम अरे अट्रैक्ट हो रहा है, राष्ट्रीय समोसा, चलो। और समोसा की क्वालिटी हमेशा अच्छे रखें, समोसा और खाने पीने का आइटम कभी भी दुकान से नहीं बिकता है, कारीगर से बिकता है। अगर आपका कारीगर अच्छा है तो आपका समोसा बिकेगा। मैंने बड़े बड़े नामी जो खाने पीने स्नैक्स के आइटम हैं, हलवाई उनका मैं नाम जानता हूँ, उनका 2-2, 5-5 मिनट में टेस्टी चेंज हो रहता है। मैं जब जाता हूँ, मैंने कहा कहाँ गया आपका कारीगर, बदल गया, कहा कैसे आपको मालूम, मैंने कहा टेस्ट बदल गया, क्योंकि जो समोसा और ये स्नैक्स बनाते हैं वो इतना ध्यान नहीं देते, सोचते कस्टमर बेवकूफ़ है, जानता ही नहीं है, खा लेगा।
लेकिन जो अवघड़ कस्टमर है, जो खाने पीने के शौकीन है मेरे जैसे लोग, वो तुरंत पहचान देंगे कि इसका कारीगर बदल गया है। तो आप टेस्ट मेंटेन रखें, क्वालिटी मेंटेन रखें, दुकान से नहीं कारीगर से चलता है ये सब स्नैक्स बिजनेस, टेस्ट आता है। तो मैं आज समोसा बिजनेस, हर आदमी समोसा बनाता है, लेकिन समोसा से, समोसे से पैसा लाखों रुपया डेली कैसे कमाएं, ये वीडियो उनके लिए था। चाहे वो नया धंधा चालू करना चाहते हैं, चाहे वो पुराने धंधे समोसे में जो ट्रेडिशनल बेच रहे हैं आसपास, अपने प्रॉफिट को कैसे 100 गुना बढ़ाएं, 10 गुना बढ़ाएं, 20 गुना बढ़ाएं, उनके लिए था ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ समोसा बिजनेस पे रेवेन्यू कैसे और ज़्यादा जनरेट करें और ज़्यादा कमाई कैसे करें, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।